हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। सो इफ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, यू जस्ट नीड टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन हैव ऑल द रीसेंट एंड करंट अपडेट्स रिलेटेड टू दैट एग्जाम। ऑल्सो देयर वुड बी अपकमिंग वैकेंसीज वेरी सून, सो इफ यू आर नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सो काइंडली प्रिपेयर एंड प्रेप योर सेल्फ फॉर दैट, because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. Which of the following statement is false with regard to domestic life? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी statement जो है वो false है अगर हम domestic life के according चीजें देखते हैं। Domestic life आप ये भी कह सकते हैं आपकी homely life. Domestic groups do not always have the some personal. इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक ग्रुप का कभी भी हर चीज बहुत ज्यादा सेम पर्सनल पे नहीं चलती। फैमिली को वेरीज विद क्लाइमेट, फैमिली वेरिएशंस आते रहते हैं क्लाइमेट के साथ। डोमेस्टिक ग्रुप्स ऑलवेज इंक्लूड को रेसिडेंट मदर्स एंड चिल्ड्रन, क्या वहां पर हमेशा को रेसिडेंट मदर्स और चिल्ड्रन इंक्लूड होते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ्स डू नॉट ऑलवेज शेयर द सेम डोमिसाइल, हस्बैंड वाइफ का डोमिसाइल हो सकता है सेम ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। So, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डोमेस्टिक ग्रुप्स डू नॉट ऑलवेज हैव द सम सेम पर्सनल, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। न्यूक्लियर फैमिलीज, आपको बताना है कि इसमें न्यूक्लियर फैमिलीज टर्म किस के लिए यूज की जाती है। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन ऑल कल्चर्स, क्या वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट होती है सारे कल्चर्स में? आर ऑर्गेनाइज्ड इन सेम वे इन ऑल कल्चर्स, सब कल्चर्स के एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होती है? Are universally responsible for the socialization of children, socialization of children के लिए भी responsible होती हैं, या फिर are found in a majority of culture although alternate forms are often more prevalent, या फिर ये इतनी ज्यादा कल्चर में पाई जाती हैं लेकिन इसमें बहुत सारी और भी alternative forms जो हैं वो आपको मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैरिज टू मोर देन वन वाइफ इज कॉल्ड, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी एक वाइफ से ज्यादा वाइफ है उस मैरिज को कौन सी मैरिज डिफाइन किया जाता है? पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, मैट्रिलिनिटी या फिर मैट्रिफोकेलिटी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीगाइन। अगर आपकी मोर देन वन वाइफ है मैरिज के अंदर सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज पॉलीगाइनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पॉलीएंड्री इज, पॉलीएंड्री क्या है? वेरी कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्या बहुत ज्यादा कॉमन है थ्रू आउट द वर्ल्ड? फाउंड मेनली इन चाइना, चाइना में आपको मिलेगी। हेल्प्स टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ कॉर्पोरेट लैंड बाय कीपिंग द हाउस होल्ड अनडिवाइडेड, आपका जो पार्टीशन होता है कॉर्पोरेट लैंड का उसे डिवाइड करने में हेल्प करती है और सारे हाउस होल्ड को अनडिवाइडेड रखती है, मतलब पार्टीशन नहीं होने देती हाउस होल्ड में। या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, द रिजल्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ मैन। सो पॉलीएंड्री क्या होता है? पॉलीएंड्री में ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ कॉर्पोरेट लैंड बाय कीपिंग द हाउसहोल्ड्स अनडिवाइडेड। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि आपके घर अनडिवाइडेड रहेंगे और आपके जो कॉर्पोरेट लैंड है सिर्फ उसका पार्टीशन भी प्रिवेंट किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन अमेरिका इज, आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अमेरिका में मैरिज की क्या होती है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। मोनोगैमी, सीरियल मोनोगैमी, प्लूरल मोनोगैमी या फिर पॉलीगाइनी? आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज अमेरिका में क्या मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूरल मोनोगैमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लूरल मोनोगैमी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वन पेरेंट डोमेस्टिक ग्रुप्स आर, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही पेरेंट का डोमेस्टिक ग्रुप है तो वो क्या होता है? एबरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, क्या एबरेंट फॉर्म्स को फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है? एज इकोनॉमिकली वायबल एज न्यूक्लियर फैमिली ग्रुप्स, तो जितना ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल है उतनी न्यूक्लियर फैमिली ग्रुप्स होंगे। They are associated with the social and economic conditions that make long-term marriages less stable. बहुत ज्यादा social और economic conditions के साथ ही associated हैं ताकि long-term marriages जो हैं वो less tenable बन पाए, या फिर all the above। तो इसका correct answer हो जाएगा आपका option number C,
ये एसोसिएट की जाती हैं सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ, जो कि लॉन्ग टर्म मैरिज को लेस टेनेबल बना देती हैं। इसको वन पेरेंट डोमेस्टिक ग्रुप ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू जेंडर ऑफ रोल्स, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या ट्रू जेंडर ऑफ रोल्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, मेल्स आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर ऑन एवरेज देन फीमेल्स, क्या मेल्स फिजिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं फीमेल से। इन मोस्ट सोसाइटी मेल्स प्रेम्प्ट मेजर सेंटर्स ऑफ पब्लिक पावर, क्या मेल्स जो हैं वो मेजर सेंटर्स होते हैं पब्लिक पावर के। मैट्रियार्कीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट बट वर ओवरथ्रोन बाय मेन, मैट्रियार्कीज पास्ट में एग्जिस्ट करती थी लेकिन ओवरथ्रो कर दिए थी मेन ने। देयर आर मेनी सोसाइटीज विदाउट मार्क्ड जेंडर इनइक्वालिटीज, बहुत ही ऐसी सारी सोसाइटीज हैं जो मार्क्ड जेंडर इनइक्वालिटी से बनी हुई हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, मैट्रियार्कीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट बट वर ओवरथ्रोन बाय मेन। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिज यूनिवर्सल, आपसे पूछा जा रहा है कि मैरिज यूनिवर्सल किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, एस्टेब्लिशेस अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लेजिस्टिमेट एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड रियरिंग, चाइल्ड रियरिंग करना मतलब चाइल्ड को पैदा करना, उसे पालन पोषण करना, तो उसमें लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड रियरिंग का डिफरेंस होता है। गिव्स द हस्बैंड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू वाइफ सेक्सुअल सर्विसेज, इससे क्या हस्बैंड को सेक्सुअल सर्विसेज के लिए पूरा प्रिविलेज दिया जाता है। establishes a joint fund of property for benefit of children, या फिर establishes reciprocal relationships and economic ties between in-laws, तो इसका correct answer आपका आ जाएगा option number C, establishes a joint fund of property for the benefit of children, benefit of children के लिए आप ऐसी joint property को establish कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का question number 9 क्या कह रहा है। bride price is, एक bride का क्या price होता है। मनी और गुड्स प्रेजेंट टू द ब्राइड बाय हर फैमिली, क्या मनी और गुड्स जो ब्राइड को उसकी फैमिली प्रेजेंट करती है। कंपनसेशन पेड डायरेक्टली टू द ग्रूम, जो भी कंपनसेशन हो रहा है क्या वो ग्रूम को डायरेक्टली पे किया जाता है। कंपनसेशन टू द फैमिली ऑफ द ग्रूम ऑफ देयर लॉस ऑफ ग्रूम्स लेबर, कंपनसेशन दिया जाता है फैमिली ऑफ द ग्रूम को उनके लेबर के लॉस की वजह से। या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है, कंपनसेशन टू द फैमिली ऑफ द ब्राइड फॉर द लॉस ऑफ द ब्राइड्स रिप्रोडक्टिव पावर, ये है करेक्ट आंसर। कंपनसेशन दिया जाता है फैमिली को, ब्राइड की ब्राइड को दिया जाता है फैमिली की तरफ से, क्योंकि उसका जो लॉस हो रहा है ब्राइड के रिप्रोडक्टिव पावर का, इस वजह से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन चलता है सोशियोलॉजी का। अ डाउरी, डाउरी क्या है। कंपनसेशन टू द ब्राइड्स फैमिली फॉर लूजिंग अ डॉटर, कंपनसेशन दिया जाता है ब्राइड की फैमिली को बेटी खोने के लिए। इस ट्रांसफर ऑफ मनी और वेल्थ बाय ग्रूम्स फैमिली फॉर द लॉस ऑफ हिज लेबर, ग्रूम की फैमिली से उसके लेबर की लॉस की वजह से मनी या वेल्थ ट्रांसफर करी जाती है। इज वेल्थ रिसीव्ड बाय द ब्राइड फ्रॉम हर हस्बैंड्स फैमिली, हस्बैंड की फैमिली से ब्राइड को वेल्थ मिलती है। या फिर इज कंपनसेशन फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्राइड वेयर वुमेन आर रिगार्डेड एज इकोनॉमिक बर्डन, या फिर ये कैसा कंपनसेशन होता है जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है ब्राइड की, जहाँ पे वुमेन जो है उनको इकोनॉमिक बर्डन की तरह देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ कंपनसेशन फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ब्राइड की, जहां पर वुमेन को एज एन इकोनॉमिक बर्डन देखा जाता है, इसे कहा जाता है डाउरी। सो दिस इज इट फॉर टुडे, वी विल वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक टुडेज सेशन एंड इट वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, काइंडली गिव अ लाइक, share and spread the videos as much as possible so that you know our channel can have a lot more subscribers in the future and these videos